प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर, चुनाव से पहले गुजरात को मिली कई भेंट सौगात। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओखा और बेट द्वारका के बीच बन रहे केबल ब्रिज का शिलान्यास किया। राजकोट में ग्रीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो गांधीनगर में आईआईटी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। गुजरात में इस साल चुनाव है जिसके चलते कई सौगातें आज प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी। मोदी ने कहा कि द्वारका में देश की पहली मरीन पुलिस इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अपने गांव वडनगर, जहां पर मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। वडनगर में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां। वडनगर से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। हनीप्रीत के साथ पकड़ी गई सुखदीप कौर नाम की महिला ने खुलासा किया है कि जब हनीप्रीत पुलिस से भाग रही थी तो उसी दौरान उसने 17 सिम कार्ड इस्तेमाल किए। सुखदीप कौर ने पुलिस को यह भी बताया कि 25 अगस्त को हिंसा के बाद हनीप्रीत सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय से तमाम सबूत मिटाने के लिए पहुंची थी और वो ऐसा करने में कामयाब भी रही। हनीप्रीत को अंदेशा हो गया था कि जिस तरह का माहौल डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बन रहा है उसके बाद डेरे पर रेड की जाएगी। इसी वजह से उसने पुलिस के किसी भी सर्च ऑपरेशन से पहले वहां पर पहुंचकर तमाम सबूत हटवाए और फिर अंडरग्राउंड हो गई। सुखदीप ने यह भी बताया कि इन्हीं सिम कार्ड में से एक सिम कार्ड का इस्तेमाल करके हनीप्रीत गुरलीन इंसा के नाम से अपना फर्जी फेसबुक आईडी भी चला रही थी। हनीप्रीत इन सिम कार्ड्स के माध्यम से डेरे के फरार चल रहे लोगों से संपर्क करती थी और जब उनसे वह संपर्क करती थी तो उनके साए की तरह साथ चलने वाली सुखदीप कौर को भी गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता था। ये वही सुखदीप कौर महिला है जिसने 38 दिन हनीप्रीत को संरक्षण दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, पंचकूला। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में 5 लोगों की बेरहमी से धारदार हथियार से हमला कर हत्या। मरने वालों में एक ही परिवार की 4 महिलाएं शामिल। शनिवार की सुबह करीब 7:15 बजे दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि एक मिल के अंदर 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक एक बुजुर्ग महिला और उनकी 3 बेटियों के अलावा एक गार्ड की भी हत्या की गई है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस ऑयल मिल को बंद कर दिया गया है और अब इसको रिहायशी मकान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्राइम सीन को देख करके कुछ ऐसा लग रहा है कि एक तो फ्रेंडली एंट्री है क्योंकि कोई भी चीज़ इस तरह से टूटी हुई नहीं है, तो जिस तरह से काम हुआ है ये ऐसा बड़ा ब्रूटल टाइप का मर्डर है, तो इसमें हम लोग अपनी सारी टीमें लगाएंगे। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्यारा कौन है और किस मकसद के तहत उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। संपत्ति विवाद, आपसी रंजिश या फिर लूटपाट का इरादा, ये वो तमाम एंगल हैं जिनके सहारे पुलिस कातिल तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। कातिल की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि इस हत्या की असल वजह क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुंबई के बूचर आइलैंड पर तेल टैंक में भीषण आग लगी हुई है। शुक्रवार शाम तकरीबन 5 बजे लगी इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार के दिन बिजली कड़कने से बीपीसीएल से जुड़े तेल की एक टैंक में आग लग गई। टैंक में लगी आग लगभग 10 किलोमीटर दूरी से भी देखी जा सकती है। एक टैंक में लगभग 10 से 15 लाख लीटर तेल होता है। मुंबई पोर्ट इसे एक तेल टर्मिनल के रूप में प्रयोग करता है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पानी वाली जहाज की भी मदद ले रहे हैं, पर अब तक आग बुझ नहीं पाई है। कोस्ट गार्ड और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। इम्पोर्ट किए गए कच्चे तेल का मुंबई में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बूचर आइलैंड पर भंडारण किया जाता है। फायर फाइटर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं। आग को एक टैंक तक ही सीमित करने में फायर फाइटर्स कामयाब हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। मुस्लिम महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने पर दारुल उलूम का फतवा, कहा आईब्रो बनवाना शरीयत में नाजायज। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करते हुए कहा है कि इस्लाम में आईब्रो बनवाने और बाल कटवाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इस्लाम के खिलाफ है। जैसे मर्द को दाढ़ी कटाना नाजायज है, इसी तरह औरत को सर के बाल कटाना या भौंरे वगैरह बनवाना नाजायज है, हराम है। हम दारुल उलूम के फतवे का इस्तकबाल करते हैं और दारुल उलूम का फतवा हमारे लिए हतमी फैसला है। फतवा विभाग की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि महिलाओं के लिए जो 10 प्रतिबंध बताए गए हैं उसमें बाल कटवाना और आईब्रो बनवाना भी शामिल है। फतवे में कहा गया है कि बिना मजबूरी के बाल कटवाना भी गलत है।
इतना ही नहीं, पुरुषों के भी आईब्रो बनवाने को हराम बताया गया है। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने रिटर्न भरने की परेशानी हुई खत्म। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाले व्यापारियों को 3 महीने में जीएसटी रिटर्न भरना होगा। आम जनता के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। साथ ही जीएसटी के तहत 27 आइटम्स पर टैक्स को घटा दिया गया है। वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि 1 करोड़ रुपये तक की कमाई वाले रेस्टोरेंट 5% टैक्स में हैं। 75 लाख सालाना टर्नओवर तक के व्यापारियों को अभी कंपोजिशन स्कीम के तहत 1% टैक्स देकर रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है। ये लिमिट 1 करोड़ तक बढ़ाई गई है। वहीं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदने पर व्यापारी को टैक्स का भुगतान खुद करना पड़ता था, जिसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी 31 मार्च 2018 तक स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इशारा कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर जीएसटी को लेकर परेशानी बढ़ती है तो इसके नियमों को बदला जा सकता है। वीडियो जल्दी जयराम के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मेरठ में आरएफ की सिल्वर जुबली के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया। आरएफ की सिल्वर जुबली में पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के अलग अलग कोनों में काम कर रही आरएफ की 10 बटालियन के जवानों के दस्तों की सलामी ली। कदम से कदम मिलाते आरएफ के जवान सलामी मंच के सामने से सीना ताने गुजरे। आरएफ के रजत जयंती समारोह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अदम्य साहस दिखाने वाले आरएफ के जवानों की पत्नियों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया। साथ ही राजनाथ सिंह ने देश को आरएफ की 5 नई बटालियनों की सौगात देने की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2018 से काम करना शुरू कर देंगी। गृह मंत्री ने शहीदों की 3 विधवाओं को भी सम्मानित किया और साथ ही उत्कृष्ट सेवा देने वाले 17 अफसरों को भी मेडल के साथ सर्टिफिकेट प्रदान किए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा है कि प्रधानमंत्री झूठ और सच में फर्क नहीं जानते हैं। हिमाचल की छोटी काशी मंडी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। चीन की सरकार हर रोज 50,000 युवाओं को रोजगार देती है, हर रोज वो 50,000 युवाओं को रोजगार देते हैं, और मोदी जी की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, सिर्फ 450 युवाओं को रोज रोजगार देती है। राहुल ने कहा, मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां रोज कोई न कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की भी तारीफ की। राहुल ने कहा, वीरभद्र राजा नहीं, फकीर है, वे दिल से काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जमानती सरकार है। बड़ो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के बाद आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने भी किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में आज जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रास्तों को बंद कर ठीक उसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जिस तरह से शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किया था। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के नेता दार्जिलिंग में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने दार्जिलिंग का दौरा किया था। दार्जिलिंग का मुद्दा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला टी20 रांची में आज। वनडे सीरीज की जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और इसी कॉन्फिडेंस को टीम इंडिया टी20 सीरीज में भी जारी रखना चाहेगी। विराट कोहली की टीम ने इस सीजन में अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 4-1 से हराकर नंबर 1 का ताज हासिल किया था। टी20 सीरीज में भारत के ओपनर शिखर धवन की वापसी हो रही है। शिखर धवन पारिवारिक कारणों की वजह से वनडे सीरीज में शिरकत नहीं कर पाए थे। वहीं आशीष नेहरा को भी टीम में शामिल किया गया है। भारत की बल्लेबाजी स्ट्रांग है और गेंदबाजी में भी धार नजर आ रही है। वहीं टी20 सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान स्टीव स्मिथ सीरीज से बाहर हो गए हैं।
टीम इंडिया अगर टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सफाया कर देती है तो वो टेस्ट और वनडे के बाद टी20 की भी नंबर वन टीम बन जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, दिल्ली।